इतना भोला भाला है, जिसे भी आती है कोई मुसीबत, इसे इन्हीं ने तो संभाला है। सबसे पहले मैं बाबा की पावन भूमि को नमन करती हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ आने और अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका मिला है। आदर व सम्मान के योग्य अतिथि जी, मंच पर बैठे सभी अतिथिगण व ग्रामवासियों, आज मैं मोनिका आप सभी के समक्ष एक भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका विषय है माँ। मैं आप सभी से आशा करती हूँ कि आप सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और इस पर अमल करेंगे। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। माँ के बिना हम में से कोई अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। इतना दर्द और पीड़ा सहकर हमें इस खूबसूरत दुनिया में लाने के लिए हम सब उसके शुक्रगुजार हैं। एक माँ अपने बच्चे को लालन पोषण के लिए बहुत त्याग करती है। माँ और पिता का कोई भी रिश्ता अधिक नहीं हो सकता। इसलिए कहा जाता है कि माँ की एक दुआ जिंदगी बना देगी, माँ की एक दुआ जिंदगी बना देगी, खुद रोएगी मगर तुझको हंसा देगी। कभी भूलकर अपनी माँ को ना रुलाना, तुम्हारी एक गलती पूरा अरसा हिला देगी। दुनिया के सभी महान पुरुष अपनी माँ और अपनी माँ के कारण आगे बढ़े हैं। गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण है जो उसकी माँ पुतलीबाई के प्यार और त्याग के कारण बड़े हैं। माँ अपने बच्चे की प्रशिक्षक और मार्गदर्शिका होती है। वह हमें सिखाती है कि हमें जीवन में मुसीबतों को कैसे झेलना है, कैसे बोलना है, कैसे लिखना है और व्यवहार संबंधी सभी बातें बताती है जो हमें बेहतर इंसान बनने के लिए मदद करती हैं। लेकिन आज के युग में अजीब विडंबना है। आज बच्चों के होते हुए माँ को अकेले तनाव में छोड़ दिया जाता है। आज बच्चे अपनी खुशी के लिए माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। आज हम भूलते जा रहे हैं कि हमारी जिंदगी शुरू हमारी माँ से है और ख़त्म भी उन्हीं पर है। कहा जाता है कि भगवान हर किसी के साथ नहीं रह सकता, इसलिए उसने माँ को बनाया। जब माँ का लाल नौकरी जाता है तो माँ पूछती है, बेटा तू वापस तो लौटेगा ना? ये प्यार भरे शब्द हमारी आंखों को नम्ब कर देते हैं। अब मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जब आंख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्ना सा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था, उसके चेहरे की झलक देख चेहरा फूलों सा खिलता था, उसके आंचल की एक बूंद से मुझको जीवन मिलता था, हाथों से बालों को नोचा पैरों से खूब प्रहार किया, फिर भी उस माँ ने पुचकारा जी भर के हमको प्यार किया, मैं उसका राजा बेटा था वो आंख का तारा, कहती थी मैं बनू बुढ़ापे मैं उसका बस एक सहारा, कहती थी उंगली को पकड़ चलाया था पढ़ने विद्यालय भेजा था, मेरी नादानी को भी निज अंदर में सदा सहेजा था, मेरे सारे प्रश्नों का वो फौरन जवाब बन जाती थी, मेरी राहों के काटे चुन वो खुद गुलाब बन जाती थी, मैं बड़ा हुआ तो कॉलेज से नित रोग प्यार का ले आया, जिस दिल में माँ की मूरत थी वो रामकली को दे आया, शादी की पति से आप बना अपने रिश्तों में झूल गया, अब करवा चौथ मनाता हूँ माँ की ममता को भूल गया, हम भूल गए उसकी ममता मेरे जीवन की साथी थी, हम भूल गए अपना जीवन वो अमृत वाली छाती थी, हम भूल गए वो खुद भूखी रह करके हमें खिलाती थी, हमको सूखा बिस्तर देकर खुद गीले में सो जाती थी, हम भूल गए उसने ही होठों को भाषा सिखलाई थी, मेरी नींदों के लिए रात भर उसने लोरी गाई थी, हम भूल गए हर गलती पर उसने डाटा समझाया था, बच जाऊं बुरी नजर से काला टीका सदा लगाया था, हम बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधन तोड़ाए, बंगले में कुत्ते पाल लिए माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाए, उसके सपनों का महल गिरा कर कंकर कंकर बीन लिए, खुद गर्जी में उसके स्वाग के आभूषण तक छीन लिए, हम माँ को घर के बंटवारे की अभिलाषा तक ले आए, उसके पावन मंदिर से गाली की भाषा तक ले आए, माँ की ममता को देख मौत भी आगे से हट जाती है, कर्मा अपमानित अवधि धरती की छाती फट जाती है, घर को पूरा जीवन देकर बेचारी माँ क्या पाती है, रूखा सूखा खा लेती है पानी पीकर सो जाती है, जो माँ जैसी देवी को घर में नहीं रख सकती
पौधा संदल बन जाता, माँ के चरणों को छूकर पानी गंगा जल बन जाता। माँ के चरणों में युगो युगो से भगवानों को पाला है, माँ के चरणों में जन्नत है गिरजाघर और शिवाला है। माँ कबीरा की साखी जैसी माँ तुलसी की चौपाई है, मीराबाई की पदावली खुशरो की अमर रुबाई है। माँ आंगन की तुलसी जैसी पावन बरगद की छाया है, माँ वेद ऋचाओं की गरिमा माँ महाकाव्य की काया है। माँ मानसरोवर ममता का माँ गोमुख की ऊंचाई है, माँ परिवारों का संगम है, माँ रिश्तों की गहराई है। माँ हरी धूप है धरती की, माँ केसर वाली क्यारी है, माँ की उपमा केवल माँ है, माँ हर घर की दुलवारी है। सातो सुर निर्तन कर ले जब कोई माँ लोरी गाती है, माँ जिस रोटी को छू लेती है वो प्रसाद बन जाती है। माँ हंसती है तो धरती का जर्रा जर्रा मुस्काता है, देखो तो दूर क्षितिज अंबर धरती को शीश झुकाता है। माना मेरे घर की दीवारों में चंदा सी सूरत है, पर मेरे मन के मंदिर में बस केवल माँ की मूरत है। माँ सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा अनसुईया मरियम सीता है, माँ पावनता में रामचरित मानस है भगवत गीता है। अम्मा तेरी हर बात मुझे वरदान से बढ़कर लगती है, हे माँ तेरी सूरत मुझको भगवान से बढ़कर लगती है। सारे तीर्थ के पुण्य जहाँ मैं उन चरणों में लेता हूँ, जिनके कोई संतान नहीं मैं उन माँ का बेटा हूँ, जिनके कोई संतान नहीं मैं उन माँ का बेटा हूँ। मैं जिन अटांत में मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हर माँ को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए और उसके सभी कार्य और त्यागों के लिए उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए जो वह हमारे लिए करती है। माँ हमारे लिए सब कुछ करती है और अब इस कर्तव्य का निर्वहन करने का समय हमारा है। हमें पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी माँ का पियस का कारण न बने और उसे दुख न पहुँचाए। हमें यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हमारी जन्म के समय के बाद से हम हर चीज़ पर अपनी माँ पर निर्भर है। अटांत में मैं दो पंक्तियों के माध्यम से अपनी भाषा को विराम देना चाहती हूँ। पूछता है जब कोई मुझसे कि दुनिया में मोहब्बत अब बची है कहाँ, मुस्कुरा देती हूँ मैं और याद आ जाती है माँ। माँ ना होती तो वफा कौन करेगा, ममता का हक भी अदा कौन करेगा। रब हर एक माँ को सलामत रखना तू, रब हर एक माँ को सलामत रखना तू, वरना हमारे लिए दया कौन करेगा, वरना हमारे लिए दुआ कौन करेगा। अटांत में मैं आपसे सभी से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सभी ने अपने कीमती समय में से कुछ समय मुझे दिया और यहाँ अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लाडली। देखो कितनी बड़ी बात, कैसे कैसे याद किया होगा, आपका सम्मान करें बेटा, शाबाश, बहुत बहुत शुक्रिया।